हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मायसेल्फ विजय कुमार यादव फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट या जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या वर्क है, कौन से फील्ड में वो काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो कैसे कहां कहां पे वर्क करता है, तो एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट ब्लॉक डायग्राम। जिसका क्या है, आप क्या करेंगे, थ्योरी एग्जाम में ऐसा डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कहां कहां पे उसका है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिजाइन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो रोल है, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के डिजाइन करने में या उसको प्रोडक्शन करने में यूज होता है। कैसे यूज होता है कि कौन किस वे से अपन प्रोडक्शन करें, कितना प्रोडक्शन करें और कौन से मेथड को अप्लाई करें जिसमें क्या हो सके, हमारे जो वेस्टेज है वो कम से कम हो और हमारे जो प्रॉफिट है ज्यादा से ज्यादा हो। प्रोडक्टिविटी शुड बी ऑलवेज हाई, प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमको क्या करना है, ऑलवेज इंक्रीज करना है फॉर एनी फर्म या प्लांट या फिर इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, उसके इंप्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वर्क करता है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिजाइन में। और क्या करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जब उसके कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद उसमें फर्दर आपका क्या एग्जीक्यूशन होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, लास्ट में उसमें इंस्पेक्शन होता है, ठीक। तो वो सब चीज इसमें देखा जाता है। फिर आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो जो प्रोडक्शन होते रहेगा तो अपन रूटिंग है, शेड्यूलिंग है, आपका सीक्वेंसिंग है, वो सब चीज को ध्यान दिया जाता है कि सही वे में हो रहा है, उसमें मटेरियल मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, ठीक है, वो सब का चीज है। फिर सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो जितना रिक्वायरमेंट है एज पर डिमांड क्या करें अपन प्रोडक्शन करें। अगर कम डिमांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगा प्रोडक्ट का, है ना। अगर प्रोडक्शन जो है कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है जो कंज्यूमर या कस्टमर को अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे क्या करेंगे, निगेटिव जो है रिव्यू बनेगा, निगेटिव फीडबैक जाएगा कि इस कंपनी के या पर्टिकुलर इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो आज का जो सिनेरियो है ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिशन जो बहुत हाई है, तो वैसे केस में क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए, तो ऐसा हम प्रोडक्शन करें। और दूसरा हमको प्रोडक्शन जो है ज्यादा कम ना करें ना ज्यादा नहीं करें, ज्यादा करेंगे क्या होगा, हमारा ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल है उसमें क्या होगा, उसमें फंसा हुआ रहेगा, उसमें इन्वॉल्व रहेगा। अब जब तक क्या होगा, प्रोडक्शन अपन कर लिए, कैपिटल उसमें इन्वॉल्व हो गया, जब तक क्या होगा उसमें सेलिंग नहीं होगा, तो जो हमारा पैसा जो उसमें फंसा है, कैपिटल इन्वॉल्व हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिफंड नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा। तो इसलिए दूसरा चीज क्या है, ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या है आपका जो ज्यादा प्रोडक्शन होगा उससे क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारा कैपिटल उसमें इन्वॉल्व रहेगा और मेंटेनेंस भी लगेगा, उसको मेंटेनेंस है, हैंडलिंग चार्ज है और उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो जो राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी के साथ क्या प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, जो सही समय पे खत्म हो जाए, अननेसेसरी जो इन्वेंट्रीज होगा उसको भी हमको ध्यान देना है। फिर है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन को कोई प्रोडक्शन करने से पहले हमको क्या करना, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, उसको मैनेजमेंट लेवल से उसको परमिशन लेना है, हायर लेवल से और उसके मार्केट एनालिसिस भी करवाना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रोडक्ट को कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा कि नहीं होगा, उसके मार्केट में फिजिबिलिटी कितना, फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, तब जाकर उसको प्रोडक्शन करने के लिए आगे रेडी हो सकते हैं। विदाउट मार्केट एनालिसिस या मार्केट सर्वे हम अपने प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए नहीं सोच सकते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल, वाइल जब प्रोडक्शन होते रहेगा तो क्या वहां पर कंट्रोल करना है, जो भी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कितना हो और जो उसमें अपडेट आएगा या सजेशन आएगा उसको यूज करते हुए करेंगे। फिर जो फिनिश प्रोडक्ट है, सबसे लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका क्या करना है, क्वालिटी चेक करना है, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार प्रिपेयर होने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में अगर विदाउट क्वालिटी चेक के भेज दिया जाए, विदाउट इंस्पेक्शन के भेज दिया जाए और जो कस्टमर है, कंज्यूमर क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो अगर वो उसमें कोई फॉल्ट या डिफेक्ट मिलता है और एक बार हमारा निगेटिव फीडबैक चला जाता है, ठीक है, तो फिर दोबारा उस जो निगेटिव रिव्यू फीडबैक बने उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है,
इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने का प्रोडक्शन के बाद उसको प्रॉपरली वे में उसको क्या किया जाए, चेक किया जाए, इंस्पेक्ट किया जाए कि वो सही है कि नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पूरे डिजाइन को एक बार चेक कर जाए। वो बिकॉज कहा होता है क्वालिटी कंट्रोलिंग होता है, और उसकी कॉस्ट के बारे में अपन देखेंगे कि क्या कॉस्ट रखे कि तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसमें लोन रहेगा। किसी प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है उसमें 70% का होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, तो इस चीज को है। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, अननेसेसरी जो है शॉर्टेज ना हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ज्यादा स्टोर करेंगे तो भी दिक्कत है, कम करेंगे तो भी दिक्कत है, तो प्रॉपरली जो इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करके रखना है कि जब जब रिक्वायरमेंट हो उससे पहले हम क्या करें उसको सप्लाई कर दें। फिर आपको मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है तो टाइम टाइम पर क्या करें, ब्रेक लेना जरूरी है, या ब्रेक नहीं ले सकते हैं तो क्या करें, शॉर्ट ब्रेक लेके, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मशीन है वो डैमेज होने के चांसेस रहेगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आफ्टर सम टाइम शॉर्ट ब्रेक या शॉर्ट टाइम के हमको ब्रेक लेना है। ब्रेक में क्या करें, हम रिप्लेस, अगर कोई मशीन रिप्लेस करने लायक है तो उसको रिप्लेस किया जाए, अगर किसी मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है तो उसको मेंटेनेंस किया जाए, सर्विसिंग किया जाए। अगर हम टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट करते रहेंगे तो वो ब्रेक डाउन या फिर शॉर्ट शट डाउन जैसी कंडीशन नहीं आएगी प्लांट में। अगर हम ये चीजों को अवॉइड करते रहे तो उससे हमको क्या वो डैमेज होने के चांसेस है, और हमारा प्रोडक्शन जो है अननेसेसरी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुकने से क्या हो जाएगा, मार्केट में उसके क्या शॉर्टेज आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, विदाउट एनी डिले हमको प्रॉपरली वे में क्या होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट करना जरूरी है मशीनों का। तो ये सब फील्ड में क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होता है। विदाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम यहाँ पे सब जगह क्या मतलब सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे ये वर्क करेंगे। तो ये सब फील्ड्स है, एरिया है, डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे क्या प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और बेटर तरीके से वर्क करता है। तो पूरा जो टॉपिक था हमारा क्या था, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में था। थैंक यू क्लास।